हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी बहुत ही चटपटी चटनी। चटनी बनाने का ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही कम समय में बहुत हेल्दी चटनी बनके तैयार होती है। एक बार आप चटनी को बना लेते हैं तो आप 6 महीने तक आराम से चटनी को खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आम को अच्छी तरीके से धो लेना है और धोने के बाद आम को हम छील लेंगे। तो अब हम सारे आम को पहले छील लेते हैं और अब हम आम को छिलने के बाद आम को हम काट लेंगे। तो छोटे बड़े कैसे भी टुकड़े में आप आम को काट सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सारे आम को छोटे छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमें आम को काटने के बाद गुठलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, गुठली को हम हटा देंगे। तो आम को मैंने काट लिया है और गुठली को हम साइड में रखेंगे। तो सारे आम को छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट के तैयार कर लिया है और अब आम हमारा बिल्कुल तैयार है चटनी बनने के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कुकर और कुकर में हमें डाल देना है 1 कप के लगभग पानी। तो यहाँ पे हम कुकर में डाल देते हैं पानी और कुकर में हम डालेंगे कटे हुए आम को। तो सारे आम को हमें कुकर में डाल देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस तरीके से आम की खट्टी मीठी चटनी को बना लेते हैं तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और आप इस चटनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कुकर का लीड लगाएंगे और अब हम इसे रखेंगे गैस पे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक हम आम को पकने देंगे। तो यहाँ पे 4 विसल आ चुका है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुकर का प्रेशर निकल चुका है। कुकर का लीड हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आम हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो इतना ही पानी डालना है आम में कि आम आपका अच्छी तरीके से पक जाए। और अब हमें आम को अच्छी तरीके से इसी तरीके से मैश कर लेना है या आप चाहे तो इसे ठंडा करके मिक्सर जार में भी बना के इसका पेस्ट बना सकते हैं चटनी बनाने के लिए, या फिर मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आम इतनी अच्छी तरीके से पक चुका है कि इसे आप बस हल्का हल्का मैश करेंगे तो ये एकदम पेस्ट बन जाएगा। तो आम में आप 4-5 विसिल भी लगा सकते हैं जिससे आम अच्छी तरीके से गल जाए और आप आम को आसानी से मैश कर सके। तो यहाँ पे देखिए आम हमारा अच्छे से मैश हो चुका है, एकदम पेस्ट के जैसे बन गया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम एक पैन गर्म करने के लिए रखेंगे और इसमें हमें डाल देना है 1 कप के लगभग ही पानी। तो यहाँ पे पानी जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम लेंगे यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ और गुड़ को हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो 1/2 kg मैंने आम लिया था तो 250 ग्राम के लगभग हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो गुड़ को हम पहले बारीक बारीक काट लेंगे और यहाँ पे गुड़ भी हमारा बारीक बारीक कट चुका है और पानी भी गर्म हो गया है। तो इसमें हमें डाल देना है गुड़ और गुड़ के साथ ही हमें यहाँ पे ऐड करना है 3 से 4 चम्मच चीनी। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ गुड़ के साथ भी इस चटनी को बना सकते हैं। और अब हम गुड़ और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो इसे हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए चीनी और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डाल देना है 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच ही हमें यहाँ पे काला नमक भी डाल देना है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आम को। तो यहाँ पे सारे आम के पल्प को हम डाल देंगे चाशनी में। सारे आम के पल्प को चाशनी में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए आम का पल्प चाशनी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे हमें इसी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे ढकेंगे। ढक के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें पकने देना है।
तीन से चार मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है और आम का जो पल्प था वो चाशनी में अच्छे से घुल मिल गया है, एकदम एकसार हो गया है और चटनी भी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। चटनी ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाएगी, तो आप अपने इच्छा अनुसार गाढ़ा या पतला चटनी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, तो चटनी की कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि आप प्लेट में फैलाएं तो वो एक लेयर सी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए चटनी की एक लेयर सी बन गई है, तो एकदम परफेक्ट हमारी चटनी बनके तैयार हुई है। चटनी की थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है, तो एकदम परफेक्ट चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चटनी को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए चटनी हमारी एकदम ठंडी हो गई है और आप इस चटनी को पूरी, पराठे या किसी भी समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस चटनी को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको चटनी को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना है तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। उसमें चटनी को भर दीजिए और इसका ढक्कन लगा के अच्छे से आप इसे फ्रिज में रख के 6 महीने तक खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।